भाजपा से नाराज भाजपा का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एमएलसी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के लिए मुरादाबाद पहुंचे। स्वतंत्र देव सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के सामने भाजपा की करें जमकर सामने आई, प्रोटोकॉल तोड़ते हुए भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही अपने गुस्से का इजहार कर दिया और भाजपा की कमियों को गिनाना शुरू कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष के दौरे पर भाजपा में चल रही अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आ गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के आला कमान द्वारा महानगर और जिले की टीम की घोषणा करने के बाद से ही जनपद में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है, जिसके बाद आज प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही यह अंदरूनी कलह भी सामने आ गई। भाजपाइयों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की नीतियों से हो रही परेशानियों को सामने रखा गया, जिस पर मुस्कुराते हुए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी उनसे किनारा कर लिया और भाजपाइयों को फिर से उसी हाल में छोड़कर चले गए। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आज महानगर और जिले की टीमों को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने उनकी यह बात सुनी तो जरूर, लेकिन उस पर एक्शन कुछ नहीं हो सका, जिसकी वजह से भाजपा के कार्यकर्ता खुद को ठगा सा महसूस करते रहे। इस दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कोरोना वायरस पर बोलते हुए कहा कि लोगों को सतर्क रहना जरूरी है और साफ सफाई रखने की सभी से अपील की गई। साथ ही कहा कि इस कोरोना वायरस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी के साथ CAA और NRC पर बोलते हुए कहा कि ये देश सबका है, इसे बांटा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी एक पवित्र संगठन है। इस संगठन के लीडर तप, तपस्या और त्याग के बदौलत अपना स्थान प्राप्त करते हैं। जब संपूर्ण भारतीय जनता जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाएंगे तो एक गौरवशाली इतिहास है। इसका नेतृत्व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया, जो एक विधान और एक संविधान एक झंडा को लेकर अपनी मांग को लेकर अपने जीवन को समाप्त किया श्रीनगर में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को आपने देखा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। सर, यही पार्टी की आइडियोलॉजी है, लेकिन एक मिनट बढ़ गए हैं। मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय, फिर गौरवशाली देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी को देखा है, आज आदरणीय नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। इस पार्टी में काम करने वाले लोग, उनका एक गौरवशाली इतिहास है हमारा पूर्वजों का, और वर्तमान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। अन्य राजनीतिक पार्टी के पास ऐसे नेता कहाँ हैं जो राष्ट्र के लिए मरते हैं, समर्पित हैं। कार्यकर्ता भी पार्टी के लिए समर्पित है और पार्टी के लिए मरता है। स्वाभाविक है, प्रदेश अध्यक्ष आता है तो अपना विषय रखेगा और ये उसका अधिकार है, यही तो लोकतंत्र है। और लोकतंत्र में सब अपना अपना विषय रखते हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य है कि गरीबों का कल्याण करना है और पूरी दुनिया भारत माँ के चरणों में नतमस्तक हो। पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करे, इसलिए पार्टी एक लक्ष्य, एक ध्येय, एक उद्देश्य के लिए काम कर रहा है। एक भी, जब से मैं आया हूँ, एक भी कार्यकर्ता मेरे को ऐसा नहीं मिला है जो किसी का विरोध किया हो। ये कैसी आप टिप्पणी कर रहे हैं, सिंगल आदमी नहीं मिला। एक ऑडियो वायरल हुई है पिछले दिनों, उसके बाद आज क्या ऑडियो हुआ, क्या वीडियो हुआ, ये आप जानो, आपका काम है। मेरे कान तक नहीं है, ना मैं देखा ना सुना। मेरे को तो ये लगता है कि ये कार्यकर्ता हमारे लिए देवतुल है, ये भविष्य का धरोहर है और इसी के नेतृत्व में पार्टी चलता है। ये वंशवाद की पार्टी नहीं, नहीं कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है। कोई नहीं है भाई, मैं आया हूँ सुबह से, ना सुबह से मैं हूँ। सिंगल कार्यकर्ता सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजने वाला है, सिंगल कार्यकर्ता, किसी कार्यकर्ता का विरोध नहीं किया जब से मैं उतरा हूँ। कहाँ, नहीं नहीं कहीं लड़ाई नहीं भाई, कहीं कुछ नहीं, नाराजगी हमें तो कोई नहीं मिला, कोई मिला तो हमसे मिलवा दीजिए। आपको एक मिनट इस तर्क वितर्क के विषय नहीं है। जैसे आपको कोई मिलता है तो मैं हूँ 4 बजे तक, आप लेकर आओ, वो विषय में सुन लूंगा उसका। कहीं नहीं भाई, कोई कुछ नहीं कहीं नहीं हो रहा है। अब हुआ है तो दे दो हमें, मेरे को जानकारी नहीं। कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री जी का और बाद में योगी जी का ट्वीट आया है, क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को सतर्क रहना चाहिए, स्वास्थ्य की चिंता करना चाहिए, सभी लोग स्वस्थ रहे, स्वच्छता का ध्यान देना चाहिए। इसलिए सभी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि PM साहब ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने
आग्रह किया है कि स्वास्थ्य और कोई कार्यक्रम करते समय उसका ध्यान देना चाहिए। होली मिलन में नहीं जाएंगे, आप जाएंगे होली मिलन समारोह में शिरकत करेंगे? आप क्या चाहते हो? आप जो कह दो वही मैं करूंगा। नहीं, आप जो कहो, आप जो कहोगे वही मैं करूंगा। आप जो करोगे, देश देश उनका है, सर्व समाज का है, सभी धर्मों का है। अपने पंथों का आदर सम्मान करना और अपने पंथों धर्म के लिए समर्पित रहना, लेकिन राष्ट्र की एकता अखंडता और हिंदुस्तान के गरीबों को सम्मान देना, ये सभी धर्मों का दायित्व है, सभी पंथों का दायित्व है। इसलिए हम सब एक हैं और माननीय मोदी जी भी सबका साथ सबका विकास चाहते हैं। प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है तो हम बांटते नहीं छाँटते नहीं हैं। उज्ज्वला योजना देते हैं तो न बांटते न छाँटते हैं, सभी गरीबों को मिलता है। किस पंथ के हैं, किस जात के नहीं देखा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना मिशन लक्ष्य है, राजनीति व्यापार नहीं एक मिशन है, गरीबों को सेवा करना, गरीबों के कल्याण के लिए काम करना, गरीबों के लिए समर्पित होना, यही हम सबका धर्म है, यही हम सबका दायित्व है।